चौंक गए क्या? ये सिर्फ एक मीम नहीं, ये जल्दी यथार्थ में परिवर्तित होने वाला है, जो चीन मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच स्थापित कर रही थी, उन्हें एक ही झटके में भारत ने ऐसा उत्तर दिया है मानो कह रहा हो, क्यों भाई जिनपिंग, मिल गई तसल्ली, आ गए स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत ने 5 मध्य एशिया देशों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता देकर न केवल अपने कूटनीतिक प्रभुत्व का परिचय दिया, बल्कि चीन को भी बिना किसी विशेष प्रयास के जबरदस्त झटका दिया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत ने मध्य एशिया के 5 महत्वपूर्ण देशों उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को 2022 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों की भारत के साथ एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 18 एवं 19 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा। प्रथम आयोजन जनवरी 2019 में समरकंद में आयोजित हुआ, जहां पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और द्वितीय सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ, क्योंकि तब कोविड का दुष्प्रभाव अपने जोरों पर था। इस निमंत्रण से भारत एक ही तीर से 2 निशाने साधने में सफल रहेगा। ना केवल वह मध्य एशिया से अपने संबंध सुदृढ़ कर रूस के अधिक निकट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आएगा, अपितु वह चीन के प्रभाव को भी कम करने में सफल रहेगा। इस दिशा में भारत पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि वह मध्य एशियाई देशों की सहायता हेतु ऊर्जा, स्वास्थ्य, IT, कृषि, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में पहले से ही $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को भी दे चुका है। यूं ही नहीं, भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए संपूर्ण एशिया से जुड़ने को उद्यत है, परंतु प्रश्न अब भी व्याप्त है, इससे चीन को कैसे हानि होगी? अब चीन के साम्राज्यवादी मंशाओं से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, और वह इसके लिए हर उस क्षेत्र पर वर्चस्व व्याप्त करना चाहता है जहां से वह अपने प्रभाव को दुनिया पर जमा सके। लेकिन मध्य एशिया वह क्षेत्र है जो रूस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में TFI पोस्ट द्वारा जुलाई 2020 के एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच जारी बॉर्डर विवाद के दौरान अब भारत मध्य एशिया में चीन को एक बड़ा झटका दे सकता है। चीन को झटका देने में भारत का सबसे अहम हथियार बनेगा ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसे वर्ष 2016 से ही भारत ईरान की धरती पर विकसित कर रहा है। इसी वर्ष भारत ने चाबहार को विकसित करने हेतु 100 करोड़ का बजट आवंटित किया था। अब इसके बाद भारत ने इस पोर्ट पर अपने ऑपरेशंस में तेजी ला दी है। इस पोर्ट के जरिए सामान अफगानिस्तान भेजा जा रहा था, और अब जल्द ही भारत पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के देशों तक भी अपना सामान पहुंचा सकता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल ने ऐलान किया है कि इन देशों तक सामान पहुंचाने में भारत को अब 20% कम खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार का रास्ता छोटा हो गया है, जबकि पहले भारत को यूरोप अथवा चीन के माध्यम से ही इन देशों तक ये माल पहुंचाना पड़ता था। उस समय आर्थिक मोर्चे पर रूस चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता था। ऐसे में रूस को किसी साझेदार की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन अब वो भारत के रूप में पूरी हो रही है। ऐसे में अब कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने 5 मध्य एशिया देशों को गणतंत्र दिवस पर निमंत्रण देकर ऐसा दाव खेला है जिसे देखकर आप भी वास्तव में बोल उठे, वाह मोदी जी वाह।